You are watching SBR News 1. Today's news updates, let's watch. चलिए हम अब बात कर सकते हैं सैयद जावेद अली साहब से, जो यहाँ पर डीजे हली के इलाका में शाहीन बाग बना के सारते औरतें आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं NRC और CAA के खिलाफ, आप देख सकते हैं। चलिए इनसे बात कर सकते हैं। बोलिए हजरत। अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोटेस्ट NRC CAA के बारे में जो हो रहा है, जैसा शाहीन बाग में 4 महीने से इसका प्रोटेस्ट हो रहा है, वो बारे में हम सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि NRC CAA जब तक वापस नहीं होगा, जब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे हम लोग की जान जाए, कुछ भी हमें जान देना पड़ा, माल देना पड़ा, हम सर के लिए तैयार हैं, मगर हरगिज़ हम लोग ये CAA NRC को लागू होने नहीं देंगे। इसके वास्ते हमारे बच्चों को कुर्बान करना पड़ा तो हम कुर्बान करेंगे, हम कुर्बान होना तो कुर्बान हो जाएंगे, जो कुछ भी हो सकता हमारे हाथ से, हमारे मोहल्ले वालों के हाथ से, जो भी हमारे माँ बहनें जो शाहीन बाग में 4 महीने से आज तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके वास्ते, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के वास्ते हम लोग आखिर तक भी हम ये प्रोटेस्ट करने के वास्ते तैयार हैं। हम लोग खाने पीने के लिए भी कुछ डरते नहीं, हम लोग को खाना पीना कुछ नहीं चाहिए तो भी परवाह नहीं, मगर NRC CAA जब तक वापस नहीं होता है, इसको कैंसिल नहीं करते जब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जिस जगह भी ये प्रोटेस्ट होता है, हर जगह हम लोग इस प्रोटेस्ट का साथ देंगे। सारे मोहल्ले वाले, हमारे साले, सारे मोहल्ले की औरतें यहाँ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आज का है। हो सके तो जैसा शाहीन बाग में 4 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा ही जब तक कानून वापस नहीं होता जब तक भी हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हैं, हर एक भी यहाँ प्रोटेस्ट करने के वास्ते तैयार है।